आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सबको शिक्षा पर। आज हम यूपीएससी आई सी सेट के फिजिक्स सेट टू के क्विज़ लेने वाले हैं। तो फिजिक्स सेट टू की क्विज़ आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अ सोलर इक्लिप्स ऑकर्स व्हेन। सोलर इक्लिप्स कब होता है? ऑप्शन ए, द सन द मून एंड द अर्थ आर नॉट इन द सेम लाइन। सेकंड, द सन द मून कम्स बिटवीन द सन एंड द अर्थ। थर्ड, द अर्थ कम्स बिटवीन द सन एंड द मून। एंड फोर्थ ऑप्शन, द सन कम्स बिटवीन द अर्थ एंड द मून। तो इसका सही आंसर है सेकंड ऑप्शन, द मून कम्स बिटवीन द सन एंड अर्थ। सोलर इक्लिप्स तब होता है जब मून सन और अर्थ के बीच में आता है। अ सोलर इक्लिप्स ऑकर्स व्हेन द मून गेट्स बिटवीन द अर्थ एंड द सन एंड द मून कास्ट अ शेडो ओवर अर्थ। अ सोलर इक्लिप्स कैन ओनली टेक प्लेस एट द फेस ऑफ न्यू मून when the moon passes directly between the sun and earth and its shadows fall upon the earth surface। तो यहाँ पे वो डायग्राम दिखाई गई है जहाँ पे सन सन और अर्थ के बीच में मून आता है और मून की शेडो अर्थ पे चली जाती है, पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। नीचे दिए गए में से स्टेटमेंट कंसिडर करिए। असर्शन, अ रियर व्यू मिरर यूज इन मोटर व्हीकल्स इज ए कॉन्वेक्स मिरर। जो रियर व्यू मिरर यूज होता है मोटर व्हीकल्स में वो एक कॉन्वेक्स मिरर होता है। रीजन, अ कॉन्वेक्स मिरर प्रोड्यूसेस एन इरेक्ट डिमिनिश्ड वर्चुअल इमेज। तो नीचे सिलेक्ट योर आंसर फ्रॉम कोडिंग स्कीम गिवन बिलो। नीचे दिए में से कोडिंग स्कीम से हमें आंसर यहाँ पे फाइंड करना है। ऑप्शन ए, बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सेकेंड ऑप्शन, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। फोर्थ, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। तो इसका सही आंसर है सेकंड ऑप्शन, बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बोथ ए और आर दोनों सही है। द रियर व्यू मिरर यूज इन मोटर व्हीकल्स इज ए कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्वेक्स मिरर प्रोड्यूसेस एन इरेक्ट डिमिनिश वर्चुअल इमेज। दोनों सही है लेकिन आर ये ए का सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, द प्रोसेस इन विच हीट इज ट्रांसमिटेड विदाउट द एड ऑफ द इंटरव्यूइंग मीडियम। ऐसी कौन सी प्रोसेस होती है जहाँ पे हीट ट्रांसमिट होते हैं किसी भी तरह के मीडियम ना होते हुए? ऑप्शन ए, कंडक्शन। सेकंड, कन्विक्शन। थर्ड, रेडिएशन। एंड फोर्थ, नन ऑफ दिस। इसका सही आंसर है रेडिएशन। तो रेडिएशन ऐसी प्रोसेस होती है जहाँ पे हीट इज ट्रांसमिटेड विदाउट द एड ऑफ द इंटरविंग मीडियम। रेडिएशन इज द एमिशन ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ वेव्स और पार्टिकल्स थ्रू द स्पेस। एग्जाम्पल, सोलर रेडिएशन। क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन द प्रेशर इंक्रीजेस द बॉइलिंग पॉइंट राइजेस। जब प्रेशर इंक्रीज होता है बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। विच डिवाइसेस यूज द अबो सेड प्रेशर। तो कौन सा डिवाइस जो अबो हमने यहाँ पे प्रेशर यहाँ पे कहा गया है वो डिटेक्ट करता है? प्रेशर कुकर डिटेक्ट करता है, यानी कि वो होता है जब व्हेन द प्रेशर इंक्रीजेस द बॉइलिंग पॉइंट राइजेस। तो ये डिवाइस कौन सा डिवाइस ये यूज़ करता है उस प्रेशर को जिससे वो इफ़िशेंटली वे करता है? ऑप्शन ए, प्रेशर कुकर। सेकंड, इलेक्ट्रिक आयरन। थर्ड, इलेक्ट्रिक हीटर। फोर्थ, मैनोमीटर। तो इसका सही आंसर है प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर्स वर्क्स बाय एक्सपेलिंग एयर फ्रॉम द वेसल्स एंड ट्रैपिंग द स्टीम प्रोड्यूस फ्रॉम द बॉइलिंग लिक्विड इनसाइड। दिस रेजेस द इंटरनल प्रेशर एंड परमिट्स हाई कुकिंग टेम्परेचर। ऑलमोस्ट एनी फूड दैट कैन बी कुक्ड इन स्टीम और वाटर बेस्ड लिक्विड्स कैन बी कुक्ड इन ए प्रेशर कुकर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट, रिकॉर्डिंग ऑफ साउंड ऑन टैप्स वॉज फर्स्ट इन्वेंटेड बाय वाल्डिमर पॉल्सन। सेकंड, ऑडियो टैप्स हैव मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। थर्ड, द टेप इज मेड ऑफ सेलुलोस एसिटेट। फोर्थ, द टेप्स मे ऑल्सो बी मेड अप ऑफ पीवीसी पॉलीविनिल क्लोराइड। ऑफ द स्टेटमेंट, ऊपर दिए गए में से स्टेटमेंट से कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ऑल आर करेक्ट। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ऑल आर रॉन्ग। फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। थर्ड एंड फोर्थ आर रॉन्ग। फर्स्ट एंड सेकंड आर रॉन्ग एंड थर्ड एंड फोर्थ आर करेक्ट। तो इसका सही आंसर है फर्स्ट। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ऑल आर करेक्ट। यानी कि रिकॉर्डिंग ऑफ साउंड ऑन टैप्स वाज फर्स्ट इन्वेंटेड बाय वाल्डिमर पॉल्सन, ये सही है। ऑडियो टैप्स है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ये भी सही है। द टेप इज मेड ऑफ सेलुलोस एसिटेट, ये भी सही है। द टेप्स में ऑल्सो भी मेड अप ऑफ पीवीसी, ये भी सही है, पॉलीविनिल क्लोराइड। कैसेट टेप्स आर मेड अप ऑफ पॉलिस्टर टाइप प्लास्टिक फिल्म विथ ए मैग्नेटिक कोटिंग। जो कैसेट टेप्स होते हैं ये पॉलिस्टर टाइप प्लास्टिक फिल्म विथ ए मैग्नेटिक कोटिंग से बने होते हैं। वाल्डिमर पॉल्सन वॉज ए डैनिश इंजीनियर हु मेड सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टू अर्ली रेडियो टेक्नोलॉजी।
डैनिश वाल्डिमर पॉल्सन एक डैनिश इंजीनियर थे जिन्होंने सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन दिया है अर्ली रेडियो टेक्नोलॉजी में। ऑडियो कैसेट टेप्स या मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ऑल द स्टेटमेंट्स आर ट्रू ट्रू, यानी कि सभी स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, नोड्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वेव आर। नोड्स, अगर हम वेव के बारे में सोचें तो नोड्स क्या हैं? अगर उस कॉन्टेक्स्ट से वेव अगर वेव के कॉन्टेक्स्ट से सोचेंगे तो नोड्स क्या हैं? फर्स्ट, पोजीशन ऑफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, पोजीशन ऑफ नो डिस्प्लेसमेंट, और पोजीशन बिटवीन द नो डिस्प्लेसमेंट एंड द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, एंड फोर्थ इज नन ऑफ दिस। इसका सही आंसर है पोजीशन ऑफ नो डिस्प्लेसमेंट, सेकंड ऑप्शन। और नोड इज ए पॉइंट अलॉन्ग ए स्टैंडिंग वेव वेयर द वेव हैज मिनिमम और जीरो एम्पलीट्यूड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। असर्शन, सॉफ्ट आयरन इज यूज फॉर मैग्नेटिक शील्डिंग। जो सॉफ्ट आयरन होता है वो मैग्नेटिक शील्डिंग के लिए यूज होता है। रीजन, सॉफ्ट आयरन अट्रैक्ट द मैक्सिमम नंबर ऑफ मैग्नेटिक फोर्स इनटू इट। जो सॉफ्ट आयरन होता है वो अट्रैक्ट करता है मैक्सिमम नंबर ऑफ मैग्नेटिक फोर्स इनटू इट। सॉफ्ट आयरन अट्रैक्ट करता है मैक्सिमम नंबर ऑफ जो मैग्नेटिक फोर्सेस होते हैं, जो ज़्यादातर मैग्नेटिक फोर्स है वो अट्रैक्ट करते हैं सॉफ्ट आयरन। सिलेक्ट यूर आंसर फ्रॉम द कोडिंग स्कीम गिवन हुआ। नीचे दिए में से हमें से आंसर फाइंड करना है। ए आर बोथ आर रॉन्ग, ऑप्शन नंबर 1। सेकंड ऑप्शन, ए आर बोथ आर राइट। थर्ड, ए इज राइट बट आर इज रॉन्ग। एंड फोर्थ, ए इज रॉन्ग बट आर इज राइट। तो इनमें से सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, ए एंड आर बोथ आर राइट। दोनों ही जो स्टेटमेंट्स हैं वो सही हैं। सॉफ्ट आयरन इज यूज फॉर मैग्नेटिक शील्डिंग, ये भी सही है। और एंड सॉफ्ट आयरन अट्रैक्ट द मैक्सिमम नंबर ऑफ मैग्नेटिक फोर्स इनटू इट, ये भी स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, ट्रांसफार्मर्स आर यूज टू। ट्रांसफार्मर का यूज क्या किसके लिए होता है? कन्वर्ट एसी इनटू डीसी, यानी अल्टरनेटिंग करंट इनटू डायरेक्ट करंट। कन्वर्ट डीसी इनटू एसी, डायरेक्ट करंट इनटू अल्टरनेटिंग करंट। स्टेप अप डीसी वोल्टेज। फोर्थ, स्टेप अप और स्टेप डाउन वोल्टेज। तो इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 4, सेटअप और सेट डाउन वोल्टेज। एक्सप्लेनेशन, इसका सही एक्सप्लेनेशन यही है कि अ ट्रांसफार्मर इज ए डिवाइस दैट चेंजेस ट्रांसफॉर्म्स एंड अल्टरनेटिंग पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज फ्रॉम वन वैल्यू टू अनदर वैल्यू, बी इट स्मॉलर और ग्रेटर, यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल को यूज़ करें तो हम एक जगह में से दूसरे जगह तक का जो अल्टरनेटिव पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो कम ज़्यादा कर सकते हैं। अ ट्रांसफार्मर कंसिस्ट ऑफ ए सॉफ्ट आयरन कॉइल विथ टू कॉइल्स वाउंड अराउंड इट विच आर नॉट कनेक्टेड टू वन अनदर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। नीचे दिए गए में से स्टेटमेंट्स हमें कंसिडर देखने हैं। असर्शन है, एक्सरे डू नॉट अफेक्ट द फोटोग्राफिक प्लेट। एक्सरे फोटोग्राफिक प्लेट को अफेक्ट नहीं करते हैं। रीजन, वेवलेंथ ऑफ एक्सरेज आर इन बिटवीन 1 एमस्ट्रॉन टू 100 एमस्ट्रॉन। जो वेवलेंथ होती है एक्सरे की वो 1 एमस्ट्रॉन से 100 एमस्ट्रॉन के बीच के बीच में होती है। तो इनमें से नीचे दिए गए में से कोडिंग स्कीम में कौन सा आंसर सही है? बोथ ऑप्शन ए एंड आर आर करेक्ट, आर ट्रू, यानी कि सही है। बोथ ए एंड आर आर फॉल्स, दोनों गलत है। ए फॉल्स है, आर ट्रू है थर्ड ऑप्शन में। फोर्थ ऑप्शन ये कह रहा है कि ए ट्रू है लेकिन आर फॉल्स है। तो इसका सही आंसर है थर्ड, ए फॉल्स है लेकिन आर ट्रू है। एक्सरे डू नॉट इफेक्ट द फोटोग्राफिक प्लेट, ये गलत है। एक्सरेज इफेक्ट द फोटोग्राफिक प्लेट, फोटोग्राफिक प्लेट पर इफेक्ट वो डालता है। देन वेवलेंथ ऑफ एक्सरेज आर इन बिटवीन 1 एमस्ट्रॉन टू 100 एमस्ट्रॉन। जो वेवलेंथ होती है एक्सरे की वो 1 एमस्ट्रॉन टू 100 एमस्ट्रॉन के बीच में होते हैं, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द रेडियो एक्टिविटीज। जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है रेडियो एक्टिव मेजर करने के लिए वो कौन सा होता है? फर्स्ट, गीगर काउंटर। सेकंड, रेडियो कंपास। थर्ड, रेडियो माइक्रोमीटर। एंड फोर्थ इज रडार। तो इसका सही आंसर है गीगर काउंटर। गीगर काउंटर यूज़ किया जाता है रेडियो एक्टिविटी मेजर करने के लिए। तो जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है मेजर करने के लिए रेडियो एक्टिविटी, वो है गीगर काउंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, द इंस्ट्रूमेंट यूज टू टेस्ट द प्योरिटी ऑफ मिल्कीज। जो इंस्ट्रूमेंट मिल्क की प्योरिटी को टेस्ट करता है वो कौन सा होता है? गैल्वेनोमीटर, कैलोरीमीटर, लैक्टोमीटर, फोर्थ इज पोलरीमीटर। तो इसका सही आंसर है थर्ड ऑप्शन, लैक्टोमीटर। सही एक्सप्लेनेशन है, लैक्टोमीटर इज यूज टू चेक प्योरिटी ऑफ काउज मिल्क। मिल्क इज पोर्ड इन एंड अलाउड टू स्टैंड अंटिल द क्रीम हैज फॉर्म। देन द डेप्थ ऑफ द क्रीम डिपॉजिट इन डिग्रीज डिटरमाइंस द क्वालिटी ऑफ द मिल्क। इफ द मिल्क सैंपल इज प्योर द लैक्टोमीटर फ्लोट्स, इफ इट इज अल्टर्ड और इम्प्योर द लैक्टोमीटर सिंक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, द वेलोसिटी ऑफ ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी।
जो वेलोसिटी होती है फ्रीली फॉलोइंग बॉडी की वो डिक्रीजेस होती है, इंक्रीजेस होती है, रिमेंस कॉन्स्टेंट में इंक्रीजेस और डिक्रीजेस। तो इसका सही आंसर है सेकंड ऑप्शन, इंक्रीजेस। वेदर एक्सप्लिसिटली स्टेटेड और नॉट, द वैल्यू ऑफ द एक्सेलरेशन इन द काइनेटिक इक्वेशन इज -9.8 m/s² फॉर एनी फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट। इफ एन ऑब्जेक्ट इज मेयरली ड्रॉप एज अपोज टू बींग थ्रोन फ्रॉम एन एलिवेटेड हाइट, देन द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 0 m/s, देन इट इंक्रीजेस एट इट्स फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट स्टेटमेंट, प्रेशर इज मेजर्ड इन newton/m². सेकंड, स्ट्रेस इज द फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट एरिया। थर्ड, स्ट्रेस एंड प्रेशर हैव द सेम यूनिट। फोर्थ, स्ट्रेस इज वन हाफ ऑफ द प्रेशर इन ए स्पेसिफाइड एरिया। तो इनमें से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है हमें फाइंड करना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन थर्ड, जो पहले तीन स्टेटमेंट है वो करेक्ट है एंड फोर्थ स्टेटमेंट गलत है। फर्स्ट, प्रेशर इज मेजर्ड इन newton/m², ये सही है। सेकंड, स्ट्रेस इज द फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट एरिया, ये सही है। स्ट्रेस एंड प्रेशर हैव द सेम यूनिट, दोनों का सेम यूनिट है। स्ट्रेस इज वन ऑफ द प्रेशर इन स्पेसिफाइड एरिया, ये गलत है। स्ट्रेस प्रेशर के कितनी दफ़ा कितने गुना होता है या फिर कितने गुना कम होता है ये स्पेसिफाई नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, मोमेंटम ऑफ ए मूविंग बॉडी, जो मोमेंटम होता है मूविंग बॉडी का वो क्या होता है, वो किस पे डिपेंड्स होता है। फर्स्ट, डिपेंड्स अपॉन इट्स मास अलोन। सेकंड, डिपेंड्स अपॉन इट्स वेलोसिटी अलोन। थर्ड, डिपेंड्स अपॉन बोथ इट्स मास एंड वेलोसिटी। फोर्थ, डज नॉट डिपेंड अपॉन इट्स मास एंड वेलोसिटी। तो इसका सही आंसर है थर्ड, डिपेंड्स अपॉन इट्स मास एंड वेलोसिटी। मोमेंटम कैन बी डिफाइन एज मास इन मोशन, मोमेंटम किस तरह से डिफाइन किया जाता है, मास इन मोशन। ऑल ऑब्जेक्ट हैव मास, सबके पास मास होता है। सो इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग देन इट्स हैज मोमेंटम, इट हैज इट्स मास इन मोशन। मोमेंटम डिपेंड्स अपॉन द वेरिएबल्स मास एंड वेलोसिटी। इन टर्म्स ऑफ एन इक्वेशन, द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट टाइम्स द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रॉपर सिक्वेंस ऑफ कलर्स इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द वेवलेंथ। तो इनमें से कौन सा नीचे दिए गए में से ऑप्शन में से कौन सा प्रॉपर सिक्वेंस है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ है। रेड, ब्लू, वॉयलेट, ग्रीन, ऑरेंज, इंडिगो। रेड, ग्रीन, ऑरेंज एंड ब्लू, ग्रीन, येल्लो। तो यहाँ पे जो रेनबो होता है वो हम देखते हैं सबसे कम वेवलेंथ किसकी है और सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी है, ये हमें पता होना चाहिए। उसके साथ हम उसके साथ ही तभी हम डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ हम निकाल सकते हैं। तो इसका सही आंसर है फर्स्ट, रेड, ब्लू, वॉयलेट। तो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होती है रेड लाइट की, फिर ब्लू और फिर वॉयलेट। वीबगॉन, जिसका सही आंसर है वीबगॉन। वॉयलेट ऑन वन साइड ऑफ द वेवलेंथ एंड रेड ऑन द अदर साइड ऑफ द वेवलेंथ। तो वॉयलेट एक साइड है, वॉयलेट ऑन अदर साइड है। वॉयलेट की वेवलेंथ होती है 450 से 400 नैनोमीटर के बीच में लगभग। ब्लू वेवलेंथ होती है 490 से 450 नैनोमीटर के लगभग। रेड वेवलेंथ, रेड कलर की वेवलेंथ होती है 700 टू 635 नैनोमीटर के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, लीज डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन इज नियरली इक्वल टू। लीज डिस्टेंस डिस्टिंक्ट विजन का कितना होता है, ऑप्शन ए 1 m, ऑप्शन टू 0.25 m, ऑप्शन थर्ड 0.5 m, फोर्थ ऑप्शन 0.2 m। तो इसका सही आंसर है सेकंड ऑप्शन 0.25 m। द नॉर्मल ह्यूमन आई कैन फोकस अ शार्प इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द आई इफ द ऑब्जेक्ट लोकेटेड एनी वेयर फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ सर्टन पॉइंट कॉल द नियर पॉइंट। द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम आई टू हैव इट्स क्लियर इमेज इज कॉल्ड लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। द डिस्टेंस इज अबाउट 24 cm फ्रॉम द आई। जो 24 cm आई से डिस्टेंस होता है उसके बाद का जो भी होता है इन्फिनी तक का वो हम आई देख सकते हैं, लेकिन जो 25 डिस्टेंस का होता है वो है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, यानी कि उस 25 m 0.25 cm तक के डिस्टेंस को हम क्लियरली नहीं देख पाते। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ऑफ। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं वो किसकी होती हैं, ऑप्शन नंबर 1 प्योरली इलेक्ट्रिकल इन नेचर, प्योरली मैग्नेटिक इन नेचर, लॉन्जिट्यूडनल इन नेचर एंड ट्रांसवर्स इन नेचर। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होते हैं, तो इसका सही आंसर है फोर्थ, ट्रांसवर्स इन नेचर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और ईएम वेव्स आर वेव्स दैट आर क्रिएटेड एज रिजल्ट ऑफ वाइब्रेशंस
बिटवीन एन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द मैग्नेटिक फील्ड। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और ईएम वेव्स, ये जो वेव्स होती हैं वो क्रिएट होती हैं रिजल्ट ऑफ वाइब्रेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द मैग्नेटिक फील्ड। इन दोनों के बीच के जो वाइब्रेशंस होते हैं उससे बने होते हैं। इन अदर वर्ड्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर कंपोज ऑफ ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये कंपोज होती है ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड्स के कंपोज होती है। इट मीन्स दैट एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैन प्रोपागेट इन ए वैक्यूम, नो मीडियम नेसेसरी। इसका ये मतलब होता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है वो प्रोपागेट हो सकती है वैक्यूम में, जहाँ पे कोई भी मीडियम नहीं होता। जैसे कि उसका एग्जांपल है स्पेस, स्पेस में कोई मीडियम नहीं, ना ही साउंड, ना ही पार्टिकल्स होते हैं वहाँ पे, वो वैक्यूम होता है और वहाँ से भी वो प्रोपागेट हो सकती है, यानी कि ट्रांसफर हो सकती है, यानी कि वो ट्रैवल कर सकती है। इट मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैन ट्रैवर्स द ग्रेट एक्सपेंशन ऑफ नथिंगनेस बिटवीन द सन एंड द अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, मैच लिस्ट वन करेक्टली विद द लिस्ट टू एंड सिलेक्ट योर आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। फर्स्ट बॉयस लॉ, सेकंड चार्ल्स लॉ, थर्ड सब्लिमेशन, फोर्थ गैस इक्वेशन। पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, सेकंड पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वन बाय वी, यानी कि वेलोसिटी की इनवर्स, पी वी इज इक्वल टू आर टी, एंड फोर्थ इज कैंपर। तो यहाँ पे हमें मैच करनी है, तो सबसे पहले हमें समझ में आता है कि सब्लिमेशन यानी कि कैंप, तो हमें इसी तरह से आंसर देना पड़ता है। सबसे पहले हमें जो लिंक होती है, अगर हमें पूरे पता नहीं है तो हमें किस तरह से यहाँ पे दिमाग लगा के हम यहाँ पे आंसर फाइंड कर सकते हैं। तो सी होता है कैंपर, सी इज इक्वल टू फोर। यहाँ पे देखिए सी इज इक्वल टू फोर सिर्फ एक ही है, फर्स्ट ऑप्शन। तो अगर आपको एक भी आंसर आता है तो आप इसको अच्छी तरह से दे सकते हैं, यानी कि ए इज इक्वल टू टू। बॉयल्स लॉ का फॉर्मूला क्या है, यानी कि वो बॉयल्स लॉ को किस तरह से डिफाइन करते हैं, स्टेट्स दैट प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी। पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी, यानी कि पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वन बाय वी। सेकंड चार्ल्स लॉ, चार्ल्स लॉ क्या कहता है, पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, यानी कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। और सी जो जैसे मैंने कहा कि सब्लिमेशन कैंपर, कैंपर सब्लिमेशन कैंपर का एक प्रॉपर्टी होती है। फोर्थ गैस इक्वेशन, गैस इक्वेशन कहता है पी वी इज इक्वल टू आर टी, यानी मल्टीप्लीकेशन ऑफ प्रेशर इंटू वेलोसिटी इज इक्वल टू आर इंटू टी, टेम्परेचर एंड आर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, लैंड एंड सी ब्रिज आर ड्यू टू। जो लैंड एंड सी ब्रिज होते हैं वो क्यों होते हैं, किसकी वजह से होते हैं, कंडक्शन ऑफ हीट, कन्विक्शन ऑफ हीट, थर्ड रेडिएशन ऑफ हीट, डिफरेंशियल हीटिंग बिटवीन लैंड एंड सी। तो इसका सही आंसर है फोर्थ ऑप्शन, डिफरेंशियल हीटिंग बिटवीन लैंड एंड सी। और सी ब्रिज और ऑनशोर ब्रिज इज ए जेंटल वाइंड दैट डेवलप्स ओवर बॉडीज ऑफ वाटर नियर लैंड ड्यू टू द डिफरेंसेस इन एयर प्रेशर क्रिएटेड बाय देयर डिफरेंट हीट कैपेसिटी। इट इज अ कॉमन ऑकरेंस अलॉन्ग कोस्ट ड्यूरिंग द मॉर्निंग एज सोलर रेडिएशन हिट द लैंड मोर क्विकली देन द वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, इफ साउंड परसिस्ट इवन आफ्टर इट सोर्स हैज स्टॉप प्रोड्यूसिंग साउंड देन इट्स कॉल्ड। यानी कि अगर साउंड परसिस्ट करता है इवन आफ्टर इट सोर्स हैज स्टॉप, सोर्स ने अगर स्टॉप भी कर लिया प्रोड्यूसिंग साउंड देन इट्स कॉल्ड, मतलब फिर से अगर वो डबल डबल आवाज़ आती है, अगर सोर्स ने अगर वो आवाज़ देना बंद भी कर दिया तो। फर्स्ट फोर्स वाइब्रेशन, सेकंड फ्री वाइब्रेशन, थर्ड रेजोनेंस, एंड फोर्थ इज रिवर्बरेशन। तो इसका सही आंसर है रिवर्बरेशन। रिवर्बरेशन का एक्सप्लेनेशन, रिवर्बरेशन और रिवर्ब इज क्रिएटेड व्हेन अ साउंड और सिग्नल इज रिफ्लेक्टेड कॉजिंग अ लार्ज नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस टू बिल्ड अप एंड देन डीके एज द साउंड इज एब्जॉर्ब बाय द सर्फेसेस ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन द स्पेस। रिवर्बरेशन इन साइको अकोस्टिक्स एंड अकोस्टिक्स इज अ परसिस्टेंस ऑफ साउंड आफ्टर द साउंड इज प्रोड्यूस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोड ऑफ हीट ट्रांसफर इन विच वार्म मटेरियल इज ट्रांसपोर्टेड सो एज टू डिस्प्लेस द कूलर मटेरियल। तो नीचे देखो में से कौन सा मोड जो होता है जो हीट ट्रांसफर इन विच वार्म मटेरियल इज ट्रांसपोर्ट सो एज टू डिस्प्लेस द कूलर मटेरियल। ऑप्शन ए कंडक्शन ओनली, सेकंड कन्वेक्शन ओनली, थर्ड रेडिएशन, फोर्थ बोथ कंडक्शन एंड कन्वेक्शन। तो इसका सही आंसर है कन्वेक्शन ओनली। इमेज लोअर केस, फिजिक्स लोअर केस, एमिटर जो होता है, जो नीचे देखे वैसे कन्वेक्शन इज द मोड ऑफ हीट ट्रांसफर इन विच वार्म मटेरियल इज ट्रांसफर्ड सो एज टू डिस्प्लेस द कूलर मटेरियल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, द इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू मेजर द करंट फ्लोइंग थ्रू ए सर्किट। अगर कोई इंस्ट्रूमेंट यूज होता है मेजर करने में करंट फ्लोइंग थ्रू ए सर्किट, सर्किट से अगर कोई करंट फ्लो होता है तो वो मेजर करने के लिए, फर्स्ट वोल्टमीटर,
सेकंड एमिटर, थर्ड ओम मीटर, फोर्थ मैग्नेटोमीटर। तो इसका सही आंसर है सेकंड एमिटर। एन एमिटर इज ए मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द करंट इन ए सर्किट। इलेक्ट्रिक करंट्स आर मेजर्ड इन एम्पियर्स ए, हेंस द नेम। इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर स्मॉलर करंट्स इन द मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर रेंज आर डिजाइनेड एज मिली एमिटर्स और माइक्रो एमिटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। द मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेसिस, जो मैग्नेटिक परमेबिलिटी होती है फ्री स्पेस की वो कितनी होती है? 10^-H पर एम, 4.2×10^7 हेनरी पर मीटर, 1.257×10^-6 हेनरी पर मीटर, 4/10^-H हेनरी पर मीटर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, 1.257×10^-6 हेनरी पर मीटर। द परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस ऑफ वैक्यूम इज अ फिजिकल कॉन्स्टेंट इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली 1.257×10^-6 हेनरी पर मीटर। इट इज सिम्बोलाइज्ड यू नॉट। परमेबिलिटी इन जनरल इज सिम्बोलाइज्ड यू म्यू एंड इज अ कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी डैस एग्जिस्ट बिटवीन द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इन ए गिवन मीडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। बीटा पार्टिकल्स आर, बीटा पार्टिकल्स क्या होते हैं? न्यूरॉन्स, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स या थर्मल न्यूरॉन्स? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, इलेक्ट्रॉन्स। जो बीटा पार्टिकल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बीटा पार्टिकल्स आर फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन इमिटेड बाय रेडियो एक्टिव डीके ऑफ सब्सटेंसेस, ओरिजिनली रिगार्डेड एज बीटा रेज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 एंड लास्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स गिवन बिलो इज नॉट करेक्ट। नीचे दिए गए में से कौन सा स्टेटमेंट ये करेक्ट नहीं है? फर्स्ट, एक्सरे एग्जिबिट द फिनोमेनन ऑफ इंटरफेरेंस। एक्सरे क्या एग्जिबिट करता है? इंटरफेरेंस का फिनोमेनन। एक्सरे आयोनाइज द गैसेस थ्रू विच दे पास। थर्ड, एक्सरे अफेक्ट द फोटोग्राफिक प्लेट। फोर्थ, एक्सरे आर चार्ज पार्टिकल। तो इनमें से कौन सा गलत है? तो इसका सही आंसर है फोर्थ, एक्सरे आर चार्ज पार्टिकल। एक्सरे चार्ज पार्टिकल्स नहीं होते हैं। एक्सरे अफेक्ट फोटोग्राफिक प्लेट्स, ये सही है। एक्सरे आयोनाइज द गैसेस थ्रू विच दे पास, ये भी सही है। एक्सरे एग्जिबिट द फिनोमेन ऑफ इंटरफेरेंस, ये भी सही है। तो इसी तरह के 25 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं फिजिक्स सेट 2 के, UPSC सेट के। अगले वीडियो में मैं फिजिक्स का सेट 3 लाएंगे। तब तक के लिए स्टडी करते रहिए, हमेशा मोटिवेटेड रहिए, अच्छा मेंटल हेल्थ रखिए अपने स्टडी करते समय। सॉन्ग सुनिए, अच्छे क्वाइट सॉन्ग सुने, वो अच्छा मेंटली आपको अच्छी तरह से डेवलप करते हैं। आप अगर थक जाए तो, नहीं तो ऐसा नहीं कि हमेशा ही सॉन्ग सुनते रहिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसी तरह से आपका प्यार सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। थैंक यू वेरी मच।